नगरपालिका को नगर परिषद को में कमोन्नत करवाने पर अभिनंदन समारोह आयोजित। कोटपुतली में आज नगरपालिका परिषद में नगरपालिका नगर परिषद में कमोन्नत करने पर विधायक एवं राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री का नगरपालिका चेयरमैन पुष्पा सैनी द्वारा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर चांदी की तलवार भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं शिक्षक संघ, दुग्ध डेयरी उत्पादक संघ, फल सब्जी मंडी व्यापारी सहित अनेक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने यादव का 51 किलो की माला व साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटपुतली को जिला बनाने की ओर अग्रसर हैं। इसी कड़ी में कोटपुतली को नगर पालिका से नगर परिषद में कमोन्नत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का नगर परिषद बनाने पर आभार व्यक्त किया। यादव ने बजट में कोटपुतली को दी गई अनेक सौगातों का वर्णन किया एवं आने वाले समय में कोटपुतली को जिला बनाने सहित सिविल लाइन, बस अड्डा, सीवरेज लाइन, बाईपास का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया। यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगले आने वाले बजट में कोटपुतली को जिला घोषित करवाएंगे। इस अवसर पर महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष शीतल मलसैनी, मधुर यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वह बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने यादव का भव्य स्वागत किया। शहरी उनमें इजाफा होगा, इसी तरह गाँव के लिए भी बहुत सी व्यवस्थाएं दी हैं और मैं आभार व्यक्त करूंगा जो किसानों के लिए उन्होंने दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपये किलो का जो सब्सिडी बढ़ाई है, उनको जो अनुदान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनका कदम है। मैं उसके लिए भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहां बनेटी में CSC का क्रमोन्नत हुई है PSC से, वो भी उन्होंने हम पे बड़ी कृपा की है क्योंकि हमारा वो बड़ा क्षेत्र जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित था। पिछली बार हमने दांतिल में CSC क्रमोन्नत कराई थी, यहाँ शहर में जनाना अस्पताल हमारा हो गया, तो एक पूरा विधानसभा क्षेत्र में पूरे में हमने स्वास्थ्य सेवाओं का जाल जो है वो पूरा बिछा करके सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जब जब हमने उनसे कुछ भी मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। जिले की मांग भी पाइपलाइन निश्चित तौर पर जिले की मांग है और जिले के लिए बहुत सी जगह जिले की मांग उठ रही है, 40-45 जगह, उसको देख करके उन्होंने 6 महीने के कमेटी बनाई है जो 6 महीने में उसको देगी जवाब बना के, तो निश्चित तौर पे उसके बाद जिले घोषित हो। तो पुरानी पेंशन लागू करके बड़ी सौगात दी है बजट में, इस पे क्या कहेंगे? ये उनकी सोच है, हमारे कर्मचारी साथियों के लिए उनके मन में है कि मैं उनके लिए कुछ करके जाऊँ और उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया है, ये मैं सराहनीय कदम मानता हूँ इसको, क्योंकि पूरा जवानी आदमी अपना सरकारी काम में निकाल देता है ड्यूटी में, बुढ़ापे के टाइम उसको तकलीफ आती है, ये बहुत बड़ा एक उनका कदम है। तो यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के लिए भी विशेष प्रयास लगातार हम संपर्क में हैं, हम 3-4 मंत्रियों की रोस्टर ड्यूटी रहती है इसमें और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसके निगरानी रखते हैं। हमारा जो है एक IAS अधिकारी, रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली जो बैठते हैं, वो लगातार विदेश मंत्रालय के टच में हैं और इनके सिवाय धीरज श्रीवास्तव जी हैं, उनको अलग से इस ड्यूटी में लगाया गया है और लगातार वहाँ से कोशिशें जारी हैं कि जहाँ से भी हमें आता हमारे बच्चे आ रहे हैं वहाँ से। सर, अपने क्षेत्र के भी जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो कल ही वापस आए, उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं कि यूक्रेन आर्मी उनके साथ मारपीट कर रही है, एम्बेसी वहाँ पे काम नहीं कर रही, एम्बेसी की मजबूरी है, वहाँ बाहर बम फट रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बैठ रहा, गाड़ियाँ नहीं भेज पा रहे थे। कीव में बच्चे थे हमारे यहाँ के जिनसे मेरी खुद फ़ोन पे बात हुई है, वहाँ से व्यवस्था करके हम वहाँ से रोमानिया के रास्ते उनको लाने का प्रयास कर रहे थे, दूसरे देश में बिना वीज़ा पासपोर्ट के एंट्री की दिक्कत होती है।